वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर ऑप्शन सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे स्ट्रेटेजी नंबर 2.19 शॉर्ट गट्स। लॉन्ग गट्स का अपोजिट वर्जन शॉर्ट गट्स है। जो हम वहाँ बाय कर रहे थे सेम सब कुछ हम यहाँ पे सेल करेंगे। यह स्ट्रेटेजी हम कब यूज़ करते हैं? जब हमको मार्केट को साइडवेज का व्यू लग रहा है तो प्रीमियम डीके का बेनिफिट उठाने के लिए हम इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो होगा एक पर्टिकुलर रेंज में घूमना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस देख लीजिए। बहुत सारी वीडियोस बना के डाली हुई है अलग अलग स्ट्रैटेजीज और फाइनेंस के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। आइए देखते हैं इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है। रिस्क अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड लिमिटेड है। रिस्क अनलिमिटेड होने का रीज़न ये है कि दोनों भी पोजीशन सेल की ले रहे हैं। रिवॉर्ड लिमिटेड है बिकॉज अगेन सेल की पोजीशन है तो ओनली प्रॉफिट इज़ आवर प्रीमियम डीके, तो लिमिटेड रहेगा। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन तो एक इन द मनी का कॉल सेल करेंगे, एक इन द मनी का पुट सेल करेंगे। बाय और बाय होता है यहाँ पे, तो ये हो जाता लॉन्ग गट्स। ये इन द मनी की जगह पे मैंने पिछली वीडियो में बताया, फिर भी आपको रिपीट करता हूँ। अगर एट द मनी होता तो यहाँ पे हो जाता था स्ट्रैडल, अगर आउट ऑफ द मनी होता तो ये हो जाता स्ट्रैंगल। इन द मनी है तो ये हो गया शॉर्ट गट्स, ठीक है। अब देखते हैं एक लाइव एग्जांपल मार्केट से लेके। करंट निफ्टी का जो ट्रेडिंग है 18,000 के रेंज पे हो रहा है, और जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस दिन का मार्केट है। 17,700 का जो इन द मनी का कॉल है वो 523 है, और 18,300 का जो इन द मनी का कॉल है ये 375 है। अब इसमें चॉइस आपका है, इन द मनी लो, डीप इन द मनी लो, हल्का सा इन द मनी लो, आपका पर्सनल चॉइस है। डिपेंड ऑन द ओआई एंड अदर थिंग्स को देख के लिया जाता है। अब आइए हम देखते हैं इसका पे ऑफ चार्ट किस तरीके से बनेगा। पे ऑफ चार्ट देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। मार्केट अगर रेंज बाउंड होगा तो हमको इतना प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर कोई वन साइड में मूव कर रहा है तो अपने को अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है, शॉर्ट गट्स। अब स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में प्रॉफिट थोड़ा कम होता है बिकॉज रेंज छोटा होता है। यहाँ इन द मनी का ले रहे हैं तो रेंज अपने को थोड़ा बड़ा मिलता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, जो कि न्यूट्रल स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगले सीरीज़ में आपको मिलेगी सब सेल की स्ट्रैटेजीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।